स्वामी विवेकानंद जयंती पर करनाल में रन फॉर यूथ का आयोजन किया गया। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में की शिरकत। इस मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को किया रवाना। खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ युवाओं व जिला प्रशासन अधिकारियों ने भी लगाई दौड़। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर करनाल में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने हवा में गुब्बारे छोड़ व हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को किया रवाना। खेल मंत्री ने स्वयं मैराथन के स्टार्ट प्वाइंट से NDRI चौक तक दौड़ लगाई। उनके साथ DC, SP और अधिकारियों सहित नेताओं ने भी दौड़ लगाई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को जीवन में अपनाना होगा। युवा देश की शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करें। एक सवाल के जवाब में खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा में युवाओं को नशे से बचाने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे। स्कूल व कॉलेजों में यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। रन फॉर यूथ ये हमारा एक प्रोग्राम था स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, और ये हम युवाओं के लिए मनाते हैं, युवा दिवस भी इसको कह सकते हैं। तो इसको हमने रन फॉर यूथ के लिए इसलिए कहा क्योंकि यूथ को आगे बढ़ाना है, इंस्पायर करना है कि वो अपने मुकाम तक पहुँचे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, जिससे कि जो युवा हैं वो जो उनका टारगेट है कोई भी, क्योंकि हर किसी इंसान का एक गोल होता है वहाँ पर अचीव करना, तो गोल बनाकर उसको अचीव करें, तो यही हमारा मकसद है। और इसमें एक सबसे ज़्यादा है कि एक यूनिटी के साथ सब लोग भागी हैं और मैंने भी हिस्सा लिया है उसमें, तो अच्छा फील होता है जब अपने हम उम्र लोगों के साथ आप ऐसा काम करते हो। सर, जहाँ आप इतने बड़े आयाम लेके आ रहे हैं रन फॉर यूथ या और भी, वहीं युवा जो है नशे की ओर अग्रसर है, छोटे नशे से लेकर गुटखे से लेकर बड़े नशे तक फंसा हुआ है, उसमें निकलने के लिए क्या कुछ है? देखिए, अवेयरनेस कैंप हम लगा रहे हैं, साथ ही अभी आने वाले टाइम में जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा के बच्चे, क्योंकि यही एज होती है और जब कॉलेज के बिगिनर्स होते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे या तो छोटे नशे में पड़ते हैं या कई ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको पता नहीं होता कि ये नशा है, लेकिन एक स्वाद चखने में, टेस्ट लेने में वो उसमें पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसा स्वाद आता है कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। कई ऐसे युवा इसमें घुसे हैं, मेरी खुद कई मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि हम चाहते हैं नशे को छोड़ना लेकिन हमें अब लत लग गई है, ऐसे कई युवा आते हैं। लेकिन उसको सबसे पहले काम होता है ऐसी चीज़ों के लिए कि हम वहाँ तक बच्चों को नॉलेज दें कि ये उस चीज़ में घुसे नहीं, जो इस चीज़ में पढ़ चुके हैं उसको हम वापस लेकर आएँ, क्योंकि हम अगर पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो शायद दूसरे स्टेप तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि युवाओं को, बच्चों को अवेयर करना कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में अगर किसी ने गलती में से लिया है तो उसको कैसे उसको दूर करना है, एंड उसके बाद अगर किसी का कोई ऑफर करता है, कभी कभी कोई ऐसे भी खुराफाती लोग होते हैं जो दूसरे के बच्चों को या दूसरे के खिलाड़ियों को भी, इवन कई युवाओं को ख़राब करने के चक्कर में वो ऑफ़र कर देते हैं और किसी को पता नहीं होता कि ये नशा है, तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद उनको जब पता चलता है कि एक्चुअल में ये नशा है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये अवेयरनेस कैंप और ये अवेयरनेस हम स्कूल्स कॉलेज में शुरू करवा रहे हैं।